कराहल दशहरा आयोजन में वन मंत्री रामनिवास रावत हुए शामिल, किया राम पूजन पर्व की बताई महत्वता। 12 अक्टूबर को कराहल मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने आए वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत दशहरा मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम भगवान राम का पूजन किया और फिर समिति द्वारा मंत्री के स्वागत सत्कार के लिए सजाए गए स्वागत मंच पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया सहित कराहल बीजेपी मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एवं समाज सेवी रविन्द्र पाठक मौजूद। दशहरा पर्व की विशेषता को बतलाते हुए वन मंत्री ने जनता को संबोधित किया। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हमारे लिए हमारे भविष्य का इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान श्री राम ने आज के दिन रावण का वध किया था, तो हमें संदेश देता है कि असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, और उस संदेश को हमें अपने हृदय में धारण करके आप साथ करना चाहिए। जिस तरह से भगवान राम ने बुरा समाज से बुराइयों को मिटाने का काम किया, उसी तरह से हम लोग अपने अंदर भरी हुई सभी बुराइयों को मिटा कर अच्छाइयों को धारण करें और सत्य को ग्रहण करें। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी को पुणे दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आपके जीवन में खुशियां आए, उन्नति हो और हमेशा आपका घर खुशियों से भरा पूरा रहे। ऐसी मैं प्रभु भगवान रामचंद्र से कामना करता हूँ।